पास्टर्स सेमिनारी स्टूडेंट्स और सभी संत जो इस श्रिंच जी ऑनलाइन सेमिनार में आए हैं जो कि स्वर के भेदों के दृष्टांतों के सही अर्थों पर गवाही है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मेरा नाम खिमख्यू सांग है और आज मैं आपका होस्ट रहूँगा पिछले बार आपने दृष्टान्त रूपी दुल्हा दुल्हन विधवा और अनाथ के बारे में पढ़ा था जो हमारे बारथोलो में गोत्र के इंस्ट्रक्टर ने हमें दिया तो आज शिंचन जी चर्च इन सभी दृष्टांतों के भेदों के सही अर्थों की गवाही दे सकते हैं वो इसलिए है क्योंकि आज सभी दृष्टांत खुल गए हैं क्योंकि वो वादा का समय आज आ चुका है और एक वाचा के पादरी हैं जो उन स्वर के भेदों को देखते हैं सुनते हैं और उसकी आज गवाही देते हैं तो आज मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इन दृष्टांतों के सही अर्थों को सुनकर बहुत सारा अनुग्रह पाने पाएंगे क्योंकि ये सभी भेद क्या हैं ये स्वर के राज्य के कुंजी हैं तो चलिए शुरुआत करने से पहले प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर पिता जो पवित्र हैं और जिनके हम आभारी हैं जिनका हम धन्यवाद करते हैं हम आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं आपने अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई की है तो जितने भी लोग जितने भी तेरे संतान आज ईश्वर स्वर के भेदों के सही आ, स्वर के भेदों के दृष्टांतों के सही अर्थों पर गवाही जो सेमिनार में जुड़े हैं उन उनकी तो अगुवाई कर और तो हमें अपने अनुग्रह से भरपूर कर 2000 साल पहले यीशु मसीह ने इन दृष्टांतों के बारे में हमें बताया और आज वो दृष्टांत और भविष्यवाणियाँ पूरी होती हैं तो आज पूरे आज पूरा वैश्विक समुदाय जो स्वर के राज्य के लिए कामना करता है तो ईशु के जो सलाहकार हैं ईशु की ओर से जो बोलते हैं जो वाचा के पादरी हैं वे आज सभी चीज़ों की गवाही देते हैं और आज जो अध्यक्ष हैं और जो बारो गोत्र के प्रधान हैं वे लोग प्रकाशित वाक्य के सभी जो वचन हैं उनकी गवाही देते हैं और उन वचन के माध्यम से बहुत सारे देशों के जो पास्टर्स हैं उनके साथ हम समझौता ज्ञापन बनाने पाते हैं और अभी जो बारो गोत्र के प्रधान हैं उनके माध्यम से जो इंस्ट्रक्टर्स पढ़ते हैं वे लोग आज प्राथमिक स्तर के इन शिक्षाओं की गवाही देते हैं तो जितने भी लोग आज इस वचन में जुड़े हैं तू हमें ज्ञान दे और तू हमें समझ दे तो इस समय जो लोग यहाँ इस सेमिनार में जुड़े हैं और जो लोग आज इसकी गवाही देते हैं उन सभी को तू अपने आशीष से भर तो इस सेमिनार के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि तू शुरुआत से लेकर अंत तक हमारी अगुवाई कर ताकि हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होने पाए तो ये सारी भी हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं जिन्होंने हमें पापों से शुद्ध किया आमीन तो अब ये समय आ गया है जब हम दृष्टांतों और उनके सही अर्थों पर गवाही देंगे तो आज हम रूपी यरूशलेम और बाबुल के बीच में जो युद्ध है उसके बारे में बात करेंगे तो जब इस वचन को आप सुनेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने हृदय को खोलने पाए और बहुत सारे जो मूल्यवान ज्ञान है वचन है उसे हम समझ नहीं पाए तो इस समय मैं मती गोत्र से एक इंस्ट्रक्टर को बुलाऊंगा जो आज वचन की गवाही देंगे सभी पास्टर्स सेमिनारी स्टूडेंट्स और संत जो स्वयं के राज्य की कामना करते हैं आप सबसे मिलकर अच्छा लगा आप सभी का अभिवादन मेरा नाम है किम साइमन और मैं सेंटर का एक इंस्ट्रक्टर हूँ और मैंने ये वचन जो है उन बारह गोत्रों में से मती गोत्र के प्रधान से पढ़ा और हमारे गोत्र के प्रधान ने हमारे अध्यक्ष ली मानही ही से ये वचन सीखे तो आज इस सेमिनार में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद जो कि स्वर के भेदों के सही अर्थों के स्वर के भेदों के दृष्टांतों के सही अर्थों पर गवाही है तो आज हम चाहे अलग अलग सिद्धांतों से अलग अलग देशों से अलग अलग समुदाय से ही क्यों ना हो लेकिन हम सब वचन में एक हैं तो हम सब अलग अलग सिद्धांत अलग अलग जो नस्ल है अलग अलग देश हैं उनसे आगे निकल कर इस वचन में एक होने पाए और इस वचन का सही समझ और ज्ञान हम पाने पाए तो चलिए आज के विषय में चलते हैं आज का विषय है पाठ बीस जो कि है दृष्टांत रूपी यरुष्लम और बाबुल के बीच युद्ध बाइबल में जो युद्ध है उनके बारे में आप क्या सोचते हैं बाइबल में हम सिर्फ भौतिक युद्धों को नहीं लेकिन आत्मिक युद्धों को भी जानने पाए बाइबल में आत्मिक युद्ध भी है जो उन भौतिक युद्धों के उपमा में लिए गए हैं और मैं जानता हूं कि बहुत सारे पास्टर्स ऐसे होंगे जो इनके बारे में पहले से ही जानते होंगे लेकिन जब मैं आज आपको व्याख्या दूं तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग इसे अच्छे से सुनने पाए हम देख सकते हैं कि इतिहास में बाबुल और यरूशलेम के बीच युद्ध हुआ था लेकिन बाइबल में आध्यात्मिक युद्ध भी होता है यरूशलेम और बाबुल के बीच में जो कि उन भौतिक युद्धों की उपमा में लिए गए हैं तो चलिए मैं इनका सही अर्थ आपको बताऊं तो आज के विषय में हम इन तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे पहला दृष्टांत रूपी यरूशलेम उन चुने हुए लोगों के बारे में बात करता है दृष्टांत रूपी बाबुल उस शैतान के या फिर अन्य जाति संगठन के बारे में बात करता है और दृष्टांत रूपी युद्ध जो है जो इन दो संगठन के बीच होता है वो सिद्धांतों का युद्ध है आध्यात्मिक युद्ध है तो ये दृष्टांतों का इस तरह अर्थ कैसे निकला चलिए बाइबल में से इसका अध्ययन करते हैं चलिए मैं इन सभी दृष्टांतों का सही अर्थ आपको बताने पाऊं दृष्टांत रूपी यरूशलेम वह चर्च है वह कलेसिया है जो परमेश्वर के लोगों के चुने हुए लोगों से बना होता है तो चलिए लुका 21 इक्कीस उसका बीस से 21 में इसके बारे में पढ़ते हैं जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है तब जो यहूदिया में हो वह पहाड़ों पर भाग जाए और जो यरूशलेम के भीतर हैं वे बाहर निकल आए और जो गांवों में हैं वे उसमें ना जाए जी हाँ आपने अच्छा पढ़ा तो लुका बीस, वो उन चार सुसमाचारों में से है जो दूसरे आगमन के बारे में दर्ज करते हैं और ये लिखा गया है कि दूसरे आगमन के समय पर अगर यरूशलेम घिर जाए तो लोगों को वहाँ में से निकल कर पहाड़ों की ओर भाग जाना चाहिए ऐसा लिखा हुआ है तो एक समय होगा जब इन सभी भविष्यवाणियों की पूर्ति होगी है ना, और तो उस घटना के होने से पहले इन भविष्यवाणियों के बारे में बताया गया है कि जब वो घटनाएं हों तो लोग उस जगह से निकलकर पहाड़ों पर भाग जाए तो क्या ये ये जो भविष्यवाणी है सिर्फ यरूशलेम के लोगों पर लागू है नहीं ऐसा नहीं है आप देख सकते हैं कि जो संदर्भ में यरूशलेम है वो भौतिक यरूशलेम के बारे में नहीं है वो क्या है वो आध्यात्मिक यरुशलम के बारे में है इसीलिए आज जो हम दूसरे आगमन के समय पर रहते हैं हमें आध्यात्मिक यरुशलम के बारे में पता होना चाहिए और वो पहाड़ पता होना चाहिए जहां हमें भागने की जरूरत है हम देख सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि भविष्यवाणी में देशों के नाम लोगों के नाम है ना जगहों के नाम ये भी उपमा में लिए गए हैं दृष्टांत में लिए गए हैं और आप प्रकाशित वाक्य का वचन देखें जो कि एक भविष्यवाणी की पुस्तक है तो प्रकाशित वाक्य ग्यारह के आठ में अगर आप देखो तो वहाँ पे एक जगह के बारे में बताया गया है जो कि सदोम और मिस्र कहलाया मिस्र कहलाया जाता है जहाँ उनका प्रभु मारा गया और उस जगह को गोलगोथा भी कहा गया तो सदोम मिस्र और गोलगोथा ये लोग आप देख सकते हैं कि एक दूसरे से अलग अलग जगह हैं है ना लेकिन ये जो शहर है उससे सदोम मिस्र और गोलगोथा कैसे कहा जा सकता है लेकिन इसका मतलब ये है कि सदोम की तरह जो भ्रष्ट था और मिस्र की तरह जहां मूसा और हारून ने फिरौन से लड़ाई की ताकि ईजली बाहर आ सके और गोलगोथा जहां यीशु मसीह एक निर्दोष के रूप में मारे गए उस तरह की जगह को उपमा में लिया गया है इसीलिए देशों के नाम लोगों के नाम जगहों के नाम भविष्यवाणी में उनका क्या है उनका एक अलग अर्थ होता है तो हमें उन दृष्टांतों को समझने की जरूरत है तभी हम उन सभी चीज़ों को समझने पाएंगे तो बाइबल में आप देख सकते हैं कि भौतिक यरुशलम है लेकिन आध्यात्मिक यरुशलम भी है भौतिक यरुशलम क्या था भौतिक यरुशलम चुने हुए लोगों का आप देख सकते हैं कि उन चुने हुए लोगों का राज्य था और यह इतिहास में हम बहुत ही अच्छे से जान सकते हैं और यह चुने हुए लोगों का राज्य था है ना आप यर्मया तीन के सत्रह में देखो तो वो लिखा है कि उस समय यरुशलेम को परमेश्वर का सिंहासन कहा जाएगा यह सिर्फ एक जगह के नाम के बारे में बात नहीं की जा रही है लेकिन उस भौतिक जगह के नाम को लेकर यह बतलाया गया है कि परमेश्वर का राज्य कहाँ होता है तो स्वर के राज्य में जो परमेश्वर का राज्य है उसे दृष्टान्तों में क्या है नया यरूशलेम कहा गया है आप प्रकाशित करके किस में जाओ तो परमेश्वर के राज्य को नया यरूशलेम कहा गया है आप देख सकते हैं कि पुराने नियम में जो यरूशलेम था भौतिक यरूशलेम उसने परमेश्वर को क्या है परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया परमेश्वर को छोड़ दिया और उन्होंने वाचा तोड़ दी और परमेश्वर को उनसे अलग जाना पड़ा लेकिन आप यमया तीन के चौदह में देखो तो परमेश्वर कहते हैं कि वो एक जाति में से एक एक कुल में से दो को लेकर सियॉन पहुंचा देंगे परमेश्वर जो है वे लोग उन भौतिक इज़राइल से जा चुके थे उन्हें छोड़ चुके थे लेकिन परमेश्वर एक समय आते हैं तो उस जगह को जहां परमेश्वर वापस आते हैं उस जगह को यरूशलेम कहा गया और आप जकारिया आठ की तीन में देख सकते हैं तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर सियोन पर वापस आते हैं और क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है इसीलिए वो जो जगह है यरूशलेम वो सच्चाई का नगर कहलाएगा ऐसा कहा गया तो यानी कि आध्यात्मिक यरूशलेम एक ऐसी जगह है जहां परमेश्वर है जहां से सच्चाई का वचन निकलता है तो आध्यात्मिक यरूशलेम केवल एक भौतिक जगह का नाम नहीं है लेकिन एक परमेश्वर के राज्य परमेश्वर के जो सच्चे मंदिर है उसका नाम है और दृष्टांत रूपी बाबुल क्या है दृष्टांत रूपी बाबुल उस दृष्टांत रूपी यरूशलेम के विपरीत एक संगठन है जो शैतान का है तो इसके लिए चलिए चलते हैं प्रकाशित वाक्य सत्रह का पांच पढ़ते हैं और उसके माथे पर यह नाम लिखा था भेद बड़ा बाबुल पृथ्वी की वैश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता तो प्रकाशित वाक्य के पांच में आप एक स्त्री को देख सकते हैं जो उन सात सिर और दस सिंह पशु पर बैठी है और उसके माथे पर बाबुल ये नाम लिखा हुआ है और ये बहुत और ये भेद है कितना अजीब पशु है, है ना लेकिन आप सेमिनार से जान चुके होंगे कि ये पशु जो है ये कोई ये कोई भौतिक पशु नहीं है लेकिन ये वे विरोधी लोग हैं जो उन शैतान के संगठन से संबंधित है जो परमेश्वर का विरोध करते हैं तो अब इस वैश्य के माथे पर बाबुल क्यों लिखा हुआ है यानी कि ये लोग वे अन्य जाति सिद्धांत है जो उन शैतान के संगठन के साथ हैं तो चलिए अब बाबुल और यरूशलेम का जो इतिहास है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं बाबुल जो है एक अन्य जाति राज्य था जिसने यरूशलेम जो कि परमेश्वर के लोगों को नष्ट कर दिया इसराइल आप देख सकते हैं कि परमेश्वर के साथ था और उनमें से आप देख सकते हैं कि इसराइल के राज्य ने क्या किया इसराइल के राज्य ने सुलेमान के पाप के समय जो ग्यारह गोत्र थे इसराइल के 11 ग्यारह गोत्र थे उन्होंने क्या है पाप किया और वे परमेश्वर से अलग हो गए और हम देख सकते हैं कि इज़राइल भी क्या है उत्तर और दक्षिण इसराइल में बढ़ गया उत्तर इसराइल और दक्षिण यहूदा ऐसे में बढ़ गया तो हम देख सकते हैं कि जो उत्तर इसराइल था उस पर किसने उस, उस पर किसने आक्रमण किया उसने उस पर असुर ने आक्रमण किया और असुर ने उस उत्तर इसराइल को पूरा भ्रष्ट कर दिया लेकिन बाद में पूरा इसराइल जो है वो भी अन्य जातियों द्वारा कब्जा कर लिया गया तो क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने विश्वासघात किया और परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया और परमेश्वर की वाचा तोड़ दी इसीलिए अन्य जातियों ने इसराइल पर आक्रमण किया और यरूशलेम और इसराइल जो है पूरा नष्ट हो गया और हम देख सकते हैं कि और हम देख सकते हैं कि पुराने नियम में यहूदा और इज़राइल के बारे में भी भविष्यवाणी है जो कि पहले आगमन के समय यीशु के माध्यम से पूरा हुआ यीशु उत्तर इज़राइल से आए और उन्होंने इन सभी वचनों की गवाही दी और बाबुल के बारे में हम प्रकाशिताके में भी देख सकते हैं तो चलिए प्रकाशिताके अठारह का दो पढ़ते हैं उसने ऊंची शब्द से पुकार कर कहा गिर गया बड़ा बाबुल गिर गया और दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया तो प्रकाशित की पुस्तक एक भविष्यवाणी की पुस्तक है जो दूसरे आगमन के बारे में बतलाता है लेकिन क्या ये बाबुल वो बाबुल होगा जो भूतकाल में जो पुराने जमाने में भ्रष्ट वो खत्म हो गया नहीं ये वो बाबुल नहीं है ये वो बाबुल है जो परमेश्वर के लोगों को बंदीगृह बनाता है इतिहास में बाबुल ने क्या किया इसराइल पर कब्जा कर लिया और परमेश्वर के लोगों पर कब्जा कर लिया है ना उसी प्रकार आज प्रकाशित वाक्य के समय पर एक संगठन है जो परमेश्वर के लोगों पर क्या है कब्जा कर लेता है तो हम देख सकते हैं कि आत्मिक रूप में आत्मिक क्षेत्र में क्या है परमेश्वर का राजा और शैतान का राजा है तो परमेश्वर के लोग जो हैं और शैतान के लोग जो हैं उनमें विभाजन है। जो परमेश्वर के लोग हैं उनके साथ परमेश्वर हैं और जो परमेश्वर के लोग हैं उन चुने हुए लोगों को यरूशलेम यहूदा सियोन ऐसे कहा गया है और जो शैतान के लोग हैं उन्हें बाबुल मिस्र असूर ऐसे कहा गया है तो इन दो जो राज्य हैं उनके बीच का जो युद्ध है मैं आपको बताता हूँ युद्ध जो है दो देशों के बीच होता है ना दो राज्यों के बीच होता है और बाइबल में सिर्फ भौतिक नहीं लेकिन सिद्धांतों का भी युद्ध है चलिए मती चौबीस उसका छः से आठ पढ़ते हैं तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे देखो घबरा न जाना क्योंकि इनका होना अवश्य है परंतु उस समय अंत ना होगा क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी जी हाँ आप मती चौबीस में देख सकते हैं कि मती चौबिस एक मती चौबिस मती चौबिस क्या है वो भविष्यवाणी की भविष्यवाणी का वो अध्याय है और मती ने जैसे उसने देखा और सुना उस प्रकार उसने दर्श किया और मती चौबीस दूसरे आगमन के जो चिन्ह हैं उनके बारे में बात करता है तो जैसे कि यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि तेरे आने का क्या चिन्ह होगा और युग के अंत का क्या चिन्ह होगा तो सातवें आयत में यीशु मसीह ने क्या कहा यीशु मसीह ने कहा कि दूसरे आगमन का जो कार्य होगा उसमें जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा ऐसा कहा तो ये किस तरह के राज्य होंगे किस तरह की जाति होंगे ये ये भौतिक देश नहीं है दुनिया के आप प्रकाशित वाक्य में देखो प्रकाशित वाक्य में भी दूसरे आगमन के बारे में लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य तेरह में वो युद्ध हो रहा है जिसके बारे में मती चौबीस में भविष्यवाणी की गई है आप प्रकाशित वाक्य तेरह में देखो तो वहां पे जो चुने हुए लोग हैं जो परमेश्वर के लोग हैं और बाबुल के लोग जो सात और दस सिंह समूह हैं उनके बीच युद्ध हो रहा है तो ये जो युद्ध है ये यरूशलेम जो परमेश्वर के लोग हैं और बाबुल जो शैतान के लोग हैं उनके बीच में युद्ध हो रहा है तो अगर यह भौतिक युद्ध होता तो आप खुद सोचो अगर यह भौतिक युद्ध है तो आप आपको यह सोचने की जरूरत है क्या युद्ध सिर्फ दूसरे आगमन पर होता है क्या दूसरे आगमन से पहले क्या यह दुनिया शांतिपूर्वक दुनिया होती है हम जानते हैं कि युद्ध और ये जो आ, जो भी राज्य राज्य पर चढ़ाई चढ़ाई कर, करता है ये सारी चीजें क्या हैं ये सारी चीजें तो मानव जाति के शुरुआत से ही रही हैं तो अगर हम भौतिक युद्ध को दूसरे आगमन का चिन्ह बताएं तो ये दूसरा आगमन कब होगा हम कैसे भेद कर पाएंगे हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है क्योंकि युद्ध तो मानव जाति के शुरुआत से ही होती आ रही है तो हम बाइबल के माध्यम से इन सभी क्या है भेदों के बारे में जानने की कोशिश करें युद्ध क्या है युद्ध दो देशों के बीच में लड़ाई है क्योंकि उन दो देशों के अलग अलग सिद्धांत होते हैं उन दो देशों के अलग अलग सोच होते हैं इसीलिए वे दो देश क्या है एक दूसरे से लड़ने जाते हैं क्योंकि उनके जो सोच है वो अलग है तो युद्ध में क्या होता है या तो कोई विजेता होते हैं या तो कोई पराजित होता है तो युद्ध में या तो लोग जय पाते हैं या फिर पराजित होते हैं आप देख सकते हैं कि इतिहास में बाइबल में जो भौतिक बाबुल था और भौतिक यरूशलेम था उनके बीच युद्ध हुआ था हाँ ये भौतिक हथियार जैसे धनुष तलवार और जो ढाल है उनसे ये युद्ध लड़ा गया था और क्योंकि बाबुल ने इसराइल पर यरूशलेम पर जय पाया इसलिए यरुशलम के जो लोग हैं वो सत्तर साल तक बाबुल के अंदर थे सत्तर साल तक उन्होंने बाबुल की सेवा की तो जो भौतिक युद्ध था वो भौतिक हथियार से लड़ा गया लेकिन जो आध्यात्मिक युद्ध है वो आध्यात्मिक हथियार यानी कि सिद्धांतों से लड़ा जाता है तो इस आध्यात्मिक युद्ध के बारे में इफिसियो 11 से बारह पढ़ते हैं परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो तो हम देख सकते हैं कि ये जो युद्ध है ये कोई भौतिक युद्ध नहीं है और जिससे हम लड़ रहे हैं वो क्या है वो दुष्ट आत्माएं हैं शैतान की आत्माएं हैं ये आध्यात्मिक युद्ध है किसके खिलाफ शैतान के खिलाफ उस दुष्ट के खिलाफ तो जिस हथियार से हमें लड़ने की जरूरत है आप सत्रह में देख सकते हैं कि, कि तुम उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है वो ले लो यानी कि आध्यात्मिक युद्ध में आप भौतिक युद्ध तलवार से उससे नहीं लड़ते हैं लेकिन क्या है परमेश्वर के वचन से लड़ते हैं और दूसरे कुरिंथियों दस उसके चार से छः में भी आप देख सकते हैं कि हमारी लड़ाई का हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने वाले परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं और हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में है उनका खंडन करते हैं और उन्हें मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं तो परमेश्वर के वचन से ये लड़ाई लड़ी जाती है तो आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या है दो प्रकार के राज्य हैं परमेश्वर का और शैतान का और उसी प्रकार भौतिक दुनिया में भी परमेश्वर के लोग हैं परमेश्वर की कलस्या है और शैतान के लोग शैतान की कलिस्याए हैं तो इन अलग अलग जो आ, साइट्स हैं इनको यरूशलम कहा गया है और एक को बाबुल कहा गया है तो इन दो के बीच में कैसे युद्ध होता है जो परमेश्वर का पादरी है वो परमेश्वर का वचन सच्चा वचन इस्तेमाल करता है लेकिन जो शैतान का पादरी है वो शैतान का वचन झूठ का इस्तेमाल करता है ये सिद्धांतों का युद्ध है तो मैं आशा करता हूं कि हम सब लोग जो इसे सुनते हैं हम परमेश्वर के सही वचन, सही हथियार परमेश्वर के वचन जो तलवार है उसका इस्तेमाल करें और शैतान से लड़कर उस पर जा पाने पाए आप लोग का एक केस उसके बीस से इक्कीस में आपने देखा कि जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो उस समय लोगों को कहाँ पहाड़ों पर भाग जाने की जरूरत है और मती चौबीस उसके पंद्रह से सोलह में भी हम देख सकते हैं कि जो दानियल की पुस्तक पढ़ते हैं वे लोग समझेंगे कि जब उस पवित्र स्थान पर घृणित पशु को तुम देखो तो लोग जो हैं उस समय पर पहाड़ों पर भाग जाए इसका मतलब यह है कि यरूशलेम जो है वो बाबुल द्वारा क्या है उसे नष्ट कर दिया जाएगा आप दानियल बारह में देखो तो ये लिखा है कि वो जो पुस्तक है वो अंक के समय तक बंद रख क्योंकि अंक के दिनों में बाबुल और जो यरूशलेम है वो युद्ध में जाएंगे तो इस युद्ध के बारे में दूसरे आगमन के बारे में जो युद्ध है उसके बारे में चलिए विस्तार से हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य के समय पर दूसरे आगमन के समय पर परमेश्वर और शैतान के बीच में दो युद्ध हो रहे हैं परमेश्वर के राज्य और शैतान के राज्य के बीच में युद्ध हो रहे हैं आप प्रकाशित वाक्य एक के 20 में देखो तो जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पूरी होती है, तो हम देख सकते हैं कि सात तारे सात दूत जो मार्ग तैयार करते हैं जो सात जो दीवट है वे प्रकट होते हैं और एक तंबू का मंदिर प्रकट होता है जो दीवट का कार्य करता है ज्योति का कार्य करता है बिल्कुल युना की तरह पहले आगमन पे। और आप देख सकते हैं कि सितारे कहाँ होते हैं सितारे आकाश में होते हैं है ना और प्रकाशित वक्त उसके छह से सात में आप देख सकते हैं इस जगह को स्वर कहा गया स्वर का तंबू स्वर का मंदिर कहा गया तो ये जो सात दूतों का जो मंदिर है जहां वे सात दूत है सात तारे हैं ये स्वर का तंबू है जो कि उन चुने हुए लोगों का राज्य है यानी कि ये यरूशलेम है तो ये कोई भौतिक यरूशलेम नहीं है ये कोई भौतिक यरूशलेम नहीं है जो वहाँ मिडल ईस्ट में है दूसरे आगमन के समय पर जो सात तारे हैं जो अपने प्रथम प्रेम ईशु को त्याग देते हैं जो मार्ग तैयार करते हैं वे लोग विश्वासघात करते हैं तो इस स्वर्ग के तंबू को जो बाबुल में जो पशु है वो लोग इसे नष्ट कर देते हैं तो चलिए प्रकाशित वाक्य तेरा उसका छह से सात पढ़ते हैं और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए और उसे हर एक कुल लोक भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया जी हां आप प्रकाशित वाक्य तीर उसके वचन को देखें तो हम देख सकते हैं कि एक पशु है जो सात सिर और दस सिंह पशु है वो समुद्र में से निकलता है ये वही पशु है जिसे आपने पहले देखा था तो हम देख सकते हैं कि ये पशु जो है वो जो सात तारों का जो मंदिर है उसको नष्ट कर देते हैं तो प्रकाशित वाक्य में जो पहला युद्ध है उसमें जो सात तारों का जो मंदिर है वो नष्ट हो जाता है और बाबुल का जो राज्य है वो जीत जाता है तो ये जो तंबू का मंदिर है जिसने विश्वासघात किया और नष्ट हो गया ये वो मंदिर है जिसके बारे में ये वो राज्य है जिसके बारे में लुका बीस में भविष्यवाणी की गई थी तो इस परमेश्वर के राज्य पर बाबुल जो है कब्जा कर लेता है इसीलिए इस पशु पर जो वैश्य बैठी है उसके माथे पर क्या है बाबुल का नाम लिखा है जैसे इतिहास में बाबुल ने विश्वासघाती यरूशलेम इसराइल पर जय पाया उसी प्रकार प्रकाशित दाके के समय पर ये जो रूपी बाबुल है ये रूपी यरूशलेम परमेश्वर के लोगों पर कब्जा कर लेते हैं और आप प्रकाशित वाक्य में भी देख सकते हैं कि पूरी जाति सभी जातियां जो है व्यभिचार की बाबुल के उस व्यभिचार की मद्रास से मतवाले हो गए हैं तो सभी लोग जो है बाबुल के उस अंतर्गत चले गए हैं लेकिन क्या बाइबल की समाप्ति ऐसी ही होगी नहीं है ना पहले आगमन पर यीशु मसीह ने क्या किया यीशु मसीह ने सच्चे वचन के माध्यम से एक नया राज्य बनाया उसी प्रकार दूसरे आगमन में भी इस बाबुल से लड़ने का कार्य होने की जरूरत है और एक नया यरूशलेम का निर्माण होगा जिसके साथ परमेश्वर एक होने पाएंगे तो ये जो दूसरा युद्ध है ये जो दूसरा युद्ध है इसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य बारा में देख सकते हैं वे लोग जो उस बाबुल से लड़ते हैं और उस पर जय पाते हैं तो वो जय पाने वाला और उसके भाई ये लोग प्रकट होते हैं और जो लोग इस अजगर पर जय पाते हैं वे लोग इस परमेश्वर के राज्य का नए सिरे से निर्माण करने पाते हैं ये नया यरूशलेम बनने पाता है और आप प्रकाशित वाक्य बारह के ग्यारह में देख सकते हैं कि वे लोग परमेश्वर के वचन और यीशु के गवाही से क्या है अपने जान की बाजी तक लगा देते हैं ये भी सच्चे विश्वासी हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने जीवन को भी क्या है न्योछावर कर देते हैं और ये लोग ऐसे मंदिर का ऐसे मंदिर की स्थापना करते हैं जिसका नाम है साक्षी के तंबू का मंदिर जो हम प्रकाशित वाक्य पंद्रह में भी देख सकते हैं तो ये जो मंदिर है जो नए सिरे से बनाया जाता है ये परमेश्वर का मंदिर है जब प्रकाशित वाक्य पूरा होता है जहां सभी राज्यों को आने की जरूरत है तो प्रकाशित वाक्य 12 में जो जय पाने वाले हैं जो जय पाते हैं वे लोग शैतान के इन संगठन का न्याय करते हैं और प्रकाशित वाक्य 16 में जो कोप के कटोरे हैं वे उन विश्वासघातियों और विनाशकों पर उंडेल देते हैं तो हमें प्रकाशित वाक्य के पूर्ति के समय पर इन जय पाने वालों से मिलने की जरूरत है और उस नए सिरे से बनाए गए यरूशलेम को भी ढूंढने की जरूरत है तो दूसरे आगमन के समय जो युद्ध होता है उसकी वास्तविकता अगर हम देखें तो सात तारों का जो मंदिर है सात दूतों का जो मंदिर है जो सोने के दीवर का जो मंदिर है ये आध्यात्मिक यरूशलेम है लेकिन इनके विश्वासघात की वजह से परमेश्वर इनसे चले जाते हैं इसीलिए बाबुल जो है उन पर आक्रमण कर सकता है और बाबुल पशु उन पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देता है तो पिछला युग जिसने विश्वासघात किया वो नष्ट हो जाता है और बाबुल जीत जाता है लेकिन परमेश्वर ईशु द्वारा चुना गया एक दूत होता है जो इन सभी चीजों को देखता है सुनता है और गवाही के वचन से उस बाबुल के जो संगठन है उससे लड़ता है और जय पाता है ये दूसरा युद्ध है प्रकाशित वाक्य में ये दूसरा युद्ध है और इस दूसरे युद्ध में जो बाबुल का राज्य है उसको नष्ट कर दिया जा नष्ट कर दिया जाता है वो पराजित होता है और जो यीशु मसीह के दूत हैं और जो लोग परमेश्वर के साथ हैं वे लोग जीत नहीं पाते हैं तो मैं कहाँ हूँ मैं किससे संबंधित हूँ क्या मैं उस यरूशलेम से संबंधित हूँ जो पहले नष्ट हो गया या फिर मैं उस बाबुल से संबंधित हूं जिसमें सभी जातियां मतवाली हो गई या फिर मैं इस नए यरूशलेम से संबंधित हूं जहां परमेश्वर का नया कार्य नया मंदिर खुलने पाता है हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है हमें कहां भागने की जरूरत है जब यरूशलेम बाबुल द्वारा घेर लिया जाएगा तो हमें कहां भागने की जरूरत है हमें उन पहाड़ों पर भागने की जरूरत है, है ना तो वो कौन सा पहाड़ है सियोन पहाड़ है जो वह जय पाने वाला बनाता है और यह नया यरूशलेम है जो कि उद्धार का स्थान है जिस प्रकार नू का जो जहाज था बिल्कुल वैसा ही तो अगर आप एक विश्वासी हैं जो दूसरे आगमन की कामना करते हैं तो आपको इन युद्धों के बारे में जानने की जरूरत है और इन संगठनों के बारे में भी जानने की जरूरत है तो हमें इस जय पाने वाले से और उस बारह गोत्र को जो सियोन पर्वत पर है उन्हें ढूंढने की जरूरत है क्योंकि नया नियम में प्रकाशित वाक्य में ये वो जगह है जो उद्धार का जगह है प्रकाशित वाक्य चौदह में आप देख सकते हैं कि जो यीशु है और जो बारह गोत्र है वे लोग इस यौन पर्वत पर एकत्रित होते हैं और प्रकाशित वाक्य सात में वो एक लाख चौवालीस हजार जन हैं जो बारह गोत्र हैं और प्रकाशित वाक्य पंद्रह में जो साक्षी के तंबू का मंदिर है और प्रकाशित वाक्य इक्कीस में आप देख सकते हैं कि नया आकाश नई पृथ्वी है ये सभी एक ही जगह के बारे में बात कर रहे हैं जो कि है शिंचन जी के बारह गोत्र और आज यहाँ इस शिंचन जी में परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का कार्य पूरा होने पाता है और ये वो नया यरूशलेम है जहाँ परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का परमेश्वर के परमेश्वर का जो नए सिरे से बनाया गया राज्य है पूरा होने पाता है और इस पर जो परमेश्वर का जो पवित्र नगरी है वह स्वर्ग से उतर कर आज धरती पर यहां आने पाता है और एक होने पाता है जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर होने पाता है और परमेश्वर का राजा आने पाता है तो मैं आशा करता हूं कि हम सब लोग इस प्रकाशित वाक्य 21 के चार में जो आशीष दी आशीष बताई गई हैं वो हमारे ऊपर आने पाए प्रकाशित वाक्य 21 के चार में लिखा है कि और कोई पीड़ा दुख और मृत्यु नहीं होगी हम आशा करते हैं कि हम सब लोग उस आशा में प्रवेश करने पाए तो इन आशा के वचन को थामे हुए हम उन सभी आशीषों में भाग लेने पाए तो चलिए आज इस आध्यात्मिक यरूशलेम और बाबुल के युद्ध का मैं आपको निष्कर्ष दूं आध्यात्मिक यरूशलेम या फिर दृष्टांत रूपी यरूशलेम परमेश्वर के चुने हुए लोगों का मंदिर है और दृष्टांत रूपी बाबुल शैतान के लोगों का मंदिर है और ये जो आध्यात्मिक युद्ध है यह सिद्धांतों का युद्ध है प्रभु के दूसरे आगमन के समय पर प्रकाशित वाक्य में दो युद्ध होते हैं पहला युद्ध और दूसरा युद्ध तो प्रकाशित वाक्य में जब युद्ध होते हैं तब हमें उन जय पाने वालों को ढूंढने की जरूरत है जो उन शैतान के संगठन से लड़कर जय पाते हैं ताकि हम सब लोग परमेश्वर के वो नए राज्य और चुने हुए लोग बन सकें प्रिय सभी पादरी संत और पादरी मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वचन को आज अच्छे से सुनने पाएं और बहुत सारा अनुग्रह पाने पाए और आज हम इन सभी दृष्टांतों के सही अर्थों को और गवाही को देने पाते हैं क्योंकि यीशु द्वारा जो दृष्टान दिए गए थे आज प्रकट हो चुके हैं आज वो खुलकर सामने आ चुके हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप स्वर के जो भेद हैं और उनके दृष्टांतों के सही अर्थों की गवाही है उन्हें जानकर हम सब लोग स्वर के राज्य में आगे प्रवेश करने पाए तो अगला जो सेमिनार होगा वो होगा दृष्टांत रूपी आकाश पृथ्वी सूरज चांद तारे तो स्वर के राज्य के भेदों को समझने में हम सक्षम होने पाए तो ये आखिरी युद्ध का समय है तो इस समय हम सच में परमेश्वर के वचन के माध्यम से परमेश्वर के हथियार से शैतान से लड़कर जय पाने पाए हम सब लोग परमेश्वर और यीशु में एक हैं वी आर वन तो चलिए प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर पिता जिनके हम आभारी हैं और हम तेरे कृतज्ञता का तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज स्वर्ग के राज्य के भेद वो खोल कर हमें दिए और हम जितने भी पादरी हैं और जो सेमिनार स्टूडेंट्स हैं और जो संत हैं जो आज इस सेमिनार में आए हैं उन्हें तू सबको आशीष दे ताकि हम सब लोग इन स्वर्ग के राज्य के भेदों को जानकर तेरे विश्वास में आगे बढ़ सकें इस कठिन समय पर भी हम तेरे इस वचन पर बने रहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम आशा करते हैं कि तू हमारे साथ अंत तक रहेगा और ये सारी विनती हम उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हामेन तो सभी को जो आज जुड़े हैं आप सबका धन्यवाद तो ये कहा गया कि जो सूरज है वो अंधियारा हो जाएगा चांद अपनी रोशनी नहीं देगा और सितारे जो है वो टूटकर पृथ्वी पर गिर जाएंगे और इसके बाद ईश्व अपने लोगों को चुनेंगे और एकत्रित करेंगे तो अगर पृथ्वी बीत जाएगी तो परमेश्वर के चुने हुए लोग कहां होंगे तो हम सब लोग परमेश्वर के वो संतान बनने पाए जो इस नए आकाश और नए पृथ्वी में प्रवेश कर रहे ना कि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जो बीत जाती है जी हां जैसे कि आपने वीडियो में देखा अगली बार हम जो पार्ट सीखेंगे वो है रूपी आकाश और पृथ्वी सूरज चांद तारे और अगली बार का समय भी आज के जैसा ही होगा तो मैं आशा करता हूँ अगली बार भी आप जुड़ने पाएंगे और हम सब लोग स्वर के राज्य के जो राज्य है उसमें प्रवेश करने के योग्य बनने पाए ये सिंचन जी सेमिनार जो है जो स्वर के भेदों के सही अर्थों पर गवाही देता है ये पूरी दुनिया में आज 24 अलग अलग भाषाओं में इसका प्रचार किया जाता है और ये हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द्वारा इसका प्रसार किया जाता है और प्रकाशित वाक्य के गवाही के सेमिनार के माध्यम से भी जो हमने पिछले अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जिसका आयोजित किया आयोजन किया था तो उस वचन में बहुत सारे पास्टर्स और सेमिनारी स्कूल्स उसमें रुचि लेते हैं और आज जी चर्च के साथ वे समझौता ज्ञापन बनाकर हम एक साथ कार्य करने के लिए उत्सुक हैं तो अगर आप चिंचंद जी चर्च के बारे में या आज के पाठ के बारे में कोई भी प्रश्न रखते हैं तो आप इन दिए गए नंबर्स पर हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं हम आपके सभी प्रश्न का उत्तर देने की कामना करते हैं तो चलिए आज हम इस चंद जी ऑनलाइन सेमिनार का प्रभु प्रार्थना के साथ अंत करते हैं हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में नाला परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज्य और सामर्थ्य और महिमा सदा ते रही हैं आमिन तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद